स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड में खूबसूरत पहाड़ों में। दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र नेगी और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और इस टाइम मैं जा रहा हूँ अपने गांव ऊपर मनलोखरा के मोहर बाखली में, तो जहाँ पर माँ नंदा देवी की रात जात यात्रा चल रही है। तो 7 और 8 को बहुत ही बड़ी यात्रा होगी, तो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। और अभी जो है आज है 6 तारीख, तो अभी वो जा रहे हैं पट्टी लेने के लिए, तो आपको अभी देखने को मिलेगा क्या चीज़ होती है पट्टी, कैसे लाते हैं और क्यों लाते हैं, आपको अभी इस ब्लॉग में जानने को मिलेगा। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहेगा। तो दोस्तों ये रहा मोहर बाखली जहाँ पर अभी माँ नंदा देवी की रात यात्रा चल रही है। तो अभी सभी लोग चले गए हैं पट्टी लेने के लिए, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं।
मान लो लेकिन वो तू डांस तो ये एक चीड़ का पेड़ है, तो महानंदा देवी की जो राजा यात्रा होगी तो ये परसों होगी और कल रात भर यात्रा चलेगी और परसों इस पेड़ को खड़ा किया जाएगा और उसके बाद मतलब आपको देखने को मिलेगा। अब मैं एक्सप्लेन भी कैसे करूं। तो अभी लोग थोड़ा बहुत आराम कर रहे हैं क्योंकि बहुत भारी होता है, एक कच्चा पेड़ होता है तो भारी तो होगा ही और बहुत लंबा है। तो काफ़ी सारे गांव के लोग यहां पर एकजुट हो रखे हैं। तो जो यात्रा होगी महानंदा देवी की, यह है मुहर वंश की मलालखोरा में और बहुत ही भव्य यात्रा होती है। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद यहां तक अभी पहुंच चुके हैं और यहां से आगे का सफ़र भी शुरू करने वाले हैं। बस अब कुछ देर का रास्ता रह गया है, थोड़ा बहुत रह गया अब, और काफ़ी आगे से ले रहे हैं इसको पत्ती को और महानंदा देवी के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हुए। पूरे जयकारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती है और चूँकि देवभूमि उत्तराखंड है तो देवी देवताओं के लिए सब कुछ करना पॉसिबल है यहाँ। चला चला चला।
जूड़ उप खुद आता तो यहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब है तो थोड़ा दिक्कत आ गई, तो अभी सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। तो जो ये पेड़ है यानी कि पत्ती है, ये है पूरी 42 हाथ, इसको नाम लिया गया है 42 हाथ, मतलब बहुत बड़ा। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से पत्ती को लाया गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मोहर वंशज है हमारे मणलखोरा में मेहरबाखली वाले हैं, तो उनकी यात्रा होती है, वो इस नंदा देवी की यात्रा करते हैं कुछ सालों बाद, मतलब जैसे कि 12 साल बाद हो या कुछ भी सालों बाद, और फिर से आगे का प्रोग्राम आपको अभी देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर द एंड। तो अगर आपका ब्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नरेंद्र नेगी मिलूंगा आपको अपने नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत पहाड़ों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय देवभूमि उत्तराखंड।